देखिए प्रमोशन जिस तरह से एक ट्रेडिशनल वे में होता है, जैसे कि आज ट्विटर पे हम लोग आए क्योंकि सोशल मीडिया बड़ा ही एक्टिव माध्यम रहा है आज फिल्म इंडस्ट्री में या पॉलिटिकल सर्कल में भी, तो मेरे ख्याल से इसलिए आज ट्विटर से हमने शुरू की है। और आज जो हमारा एक गाना जो है कव्वाली चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, जो कि बड़ा ही फेमस गाना है 70s का, बड़ा फेमस कव्वाली, अज़ीज़ नज़ा साहब ने उसे गाया था, उनके बेटे ने मुश्तफ़ा ने गाना गाया है और पिक्चराइज हमने शूट किया उसको, तो गाने का लॉन्च था तो हमने ट्विटर रूम से इसकी शुरुआत की। देखिए क्या है कि मुझे लगा कि बहुत से ऐसा होता है कि जब हम लोग को लगता है कि आज की तारीख में चलन सा रहा है कि 70s के गाने को उसको रिक्रिएट किया जाए, तो हमारे पास ऑप्शन था क्योंकि हमारा म्यूज़िक पार्टनर है सारेगामा जो पहले HMV था, तो उनके पास काफ़ी पिक्चर के राइट्स है। और जब हमको लगा कि गाना को यूज़ नहीं करें, बल्कि बहुत सालों से हमने देखा हिंदी सिनेमा में कव्वाली नहीं आई है, खास करके एक पॉपुलर कव्वाली की हम बात करते हैं, और मेरे ख्याल से अज़ीज़ नज़ा साहब की कव्वाली चढ़ता सूरज धीरे धीरे से अच्छी कव्वाली हो ही नहीं सकती थी, इसलिए अनु मलिक और मैं बैठे हमने उससे मंथन किया और हमें बाद में लगा कि हमें ये चढ़ता सूरज धीरे धीरे गाने को रिक्रिएट करना चाहिए, और अनु भाई ने उनके बेटे से ये गाना गवाया इसलिए हमने ये गाना रखा। और ये जो कव्वाली है ये केवल फिलोसॉफी जो होती है हर किसी को इस पर कनेक्ट करती, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी जो फिलोसॉफी है हर किसी को रिलेट करती है। ऑफ द फिल्म, ऑफ द टाइम्स दैट आर शोन इन द फिल्म, एंड ये एक ऐसी फिलोसफी है जो मतलब आई थिंक इट कैन अप्लाई, इट अप्लाइज टू एवरीथिंग एंड एनीथिंग, एंड हमारी फिल्म के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये फिलोसफी जाती है, सो इट्स अ वेरी एप्टली चोजन सॉन्ग। देखिए ऑब्जेक्शन ये उठ रहे हैं लोगों ने पिक्चर देखी नहीं है, और इस तरह से एक मुझे आते की समझ में नहीं आ रहा, मैंने बार बार कहा भी कहूँगा कि लोगों ने इस पर किताब लिखी इमरजेंसी पे, लोगों ने इसकी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, लोगों ने इस पर तरह तरह के आर्टिकल लिखे हैं, तो फिल्म बनाने में ये आपत्ति क्यों है? इस तरह से मुझे कहा जा रहा है कि लीगल के यू नो कि लीगल रिकॉर्स लेंगे हम इसके लिए आपकी फिल्म को लेकर, बहुत लोगों आपत्ति इसको पॉलिटिकल लोगों को इस पर, तो मेरे ख्याल से फिल्म मेकर को भी उतनी छूट होनी चाहिए जितनी छूट फिल्म एक किसी ने किताब लिखी है, किसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उतनी छूट होनी चाहिए। मुझे नहीं पता, मैं सेंसर करूँगा पिक्चर को, उसके बाद ही बाकी जो बात करूँगा, देखिए सेंसर क्या कहता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सेंसर सर्टिफिकेट के बाद ही पता चलेगा कि फिल्म में कितना काटना है, कितना रखना है, कितने नाम चेंज करने हैं। थैंक यू।